14, क्वेश्चन नंबर 14 में हमें दिखाना है, ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ है 1 + 1/1, 1 + 1/2, 1 + 1/3, सो ऑन, 1 + 1/n इज इक्वल्स टू n प्लस 1। तो स्टेटमेंट स्टार्ट इसी फॉर्म से करेंगे, P1 इज ट्रू, P1 मींस फर्स्ट टर्म LHS का, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, LHS साइड इज ट्रू। RHS साइड कितनी होगी, n की जगह पर हम 1 प्लेस कर देंगे, तो वैल्यू कितनी आएगी, n की जगह पर 1 प्लस 1 इज 2, तो RHS 2। अब एज्यूम करेंगे कि PK इज ट्रू, PK कितना होगा, 1 + 1/1, 1 + 1/2, 1 + 1/3, so on, 1 + 1/k is equals to k plus 1। ये स्टेटमेंट को हमने एज्यूम किया कि दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। अब पी के की हेल्प से हम दिखाएंगे कि पी के प्लस 1 इज ट्रू। पी के प्लस 1 कितना होगा, 1 + 1/1, 1 + 1/2, 1 + 1/3, so on, 1 + 1/k। इसका अगला वाला टर्म क्या आएगा, सारे टर्म्स के बीच में प्रोडक्ट साइन है, तो अगला टर्म क्या आएगा, k को रिप्लेस करेंगे k प्लस 1 से, तो 1 + 1/k + 1। RHS साइड में क्या होगा, जब ने pk लिखा तो n की जगह पर k लिखा, pk प्लस 1 का मतलब है n के प्लेस पर अब k प्लस 1 लिखना, तो यह आएगा k प्लस 1 प्लस 1 k प्लस 2। अब pk स्टेटमेंट ट्रू होगा अगर LHS साइड RHS के इक्वल आ जाए, और यहां पर देखो ये जो लिखा है वो यहां नीचे लिखा हुआ है, इसकी हेल्प तुमको लेनी है स्टेटमेंट नंबर पीके की हेल्प, स्टेटमेंट यहां पीके लिखा है इसकी हेल्प हमको लेनी ही थी, तो हमने यहां से आधा की वैल्यू को जो k प्लस 1 है लिख दिया, देखिए ये वैल्यू और ऊपर वाली वैल्यू k प्लस 1 के इक्वल है, और यहां पर क्या आएगा, इसका एलसीएम ले लो, k प्लस 1 ऊपर आएगा k प्लस 1 प्लस 1, ये कैंसिल हो गया, फाइनली आएगा k प्लस 2। तो k प्लस 2 और RHS में भी k प्लस 2, Now LHS is equals to RHS, स्टेटमेंट क्या हो गया ट्रू, LHS RHS के इक्वल दिखाना था। यहां पर इंपॉर्टेंट तो इसमें कुछ खास नहीं, बस ये ध्यान रखेंगे कि यहां पर साइन प्रोडक्ट का लगा हुआ है, जनरली हम प्लस के सारे क्वेश्चंस करते हैं तो इस बात पर थोड़ा ध्यान नहीं रख पाते हैं कि यहां पर प्लस नहीं है, और नॉर्मली हम प्लस ही लगा देते हैं, इसके अलावा बाकी तो सारे स्टेप्स और क्वेश्चन